एवरीवन, स्वागत है आपका चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड प्राइमर। जी हाँ, घर पर ही हम अपना DIY प्राइमर तैयार करेंगे जो आपके मार्केट वाले प्राइमर को भी टक्कर दे पाएगा। तो ये प्राइमर हम फ्री में ही तैयार कर लेंगे। वैसे मार्केट में भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइमर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वे थोड़ा कॉस्टली होते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज एक ऐसा प्राइमर आप लोगों के लिए लेकर आती है जो आप बिल्कुल फ्री में ही घर पर तैयार कर लेते हैं। तो इस प्राइमर को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम लेंगे ये तिल का तेल। तिल का तेल हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं रहता, हमारी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। वैसे तिल के तेल पर मैंने जो बालों के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स है एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पर वो वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तिल का तेल काफ़ी अच्छा होता है, तिल के तेल में कैल्शियम बहुत होता है। तो ये अगर आपको कहीं पर भी बॉडी पेन रहता है या आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द रहता है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आप इसकी मालिश कर सकते हैं। ये आपको 100% आपके बॉडी को पेन से राहत दिलाएगा। तो ये हमारे फेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है, हम तिल के तेल को अपने फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी मात्रा कम रखनी है। ज़्यादा मात्रा आपको अपने फेस पर इसकी नहीं लगानी है, वरना फिर आपका फेस थोड़ा ऑयली दिखेगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि कितनी मात्रा आपको तिल के तेल की लेनी है। और सेकेंड हमें चाहिए ये एलोवेरा जेल। तो मैंने यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया है, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं। तो देखिए, एलोवेरा जेल मेरा फेवरेट है। आप देखिए कि मैं बहुत बार अपने जो भी DIY बनाती हूँ उसमें एलोवेरा जेल को जरूर शामिल करती हूँ। तो मैं कितना भी एलोवेरा जेल अपने घर में मंगा लूँ मेरा जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। और थर्ड हम इसमें मिलाएंगे अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम। तो मैंने यहाँ पर ये अल्फ रूडनेस वाली मॉइस्चराइजर क्रीम ली है, आप चाहे तो जो भी आप यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं। तो देखिए, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम अपना ये DIY प्राइमर तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले जाएंगे तिल का तेल। तो देखिए, हमें आधा चम्मच तिल का तेल लेना है। तो तिल का तेल का फायदा रहता है कि आपके चेहरे पर चमक भी लाता है, और अगर आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं, आपका चेहरा थोड़ा जैसे आपकी एज बढ़ने लगती है, आपने देखा होगा कि आंखों के आसपास थोड़ी फाइन लाइन आ जाती है, तो ये उसको कम करने का काम बहुत अच्छी तरह से करेगा। तो फ्रेंड्स, तिल का तेल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या फिर पंसारी की शॉप से भी आई थिंक मिल जाना चाहिए। ये तो मैंने अपने मायके गई थी तब घर से लेकर आई थी, ये होममेड तिल का तेल है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है, मैं अपने हेयर के लिए भी यूज़ करती हूँ और अपने फेस के लिए भी इसको यूज़ करती हूँ। तो देखिए, हमने थोड़ा सा ही तिल का तेल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। अच्छे से मिक्स कर ले दोनों चीज़ों को। मैं ज़्यादा मात्रा में इसको बनाकर नहीं रखूँगी, क्योंकि जब सारा सामान मेरे पास है तो मैं फिर से बना लूँगी। सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही मैं इसको बना के रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिन के लिए आपको बनाकर ऐसे स्टोर नहीं करना है, फिर ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। और क्योंकि प्राइमर लगता भी थोड़ा ही है, ज़्यादा क्वान्टिटी प्राइमर की हम अपने फेस पर नहीं लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत ही हमारे लिए चल जाता है। तो देखिए, अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरह से प्राइमर अपना बनाकर देखना, आपको इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, ये हमारा होममेड प्राइमर तैयार हो गया है। जी हाँ, DIY प्राइमर हमारा तैयार हो चुका है। तो मैं इसको, एक मेरे पास छोटी सी डब्बी है, उसमें इसको डालकर रख दूंगी। तो 4-5 दिन मेरा ये प्राइमर आराम से चल जाएगा। तो देखिए, कितना प्यारा प्राइमर हमारा बनकर तैयार हुआ है। अभी मैं इसको आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि कितनी आसानी से हमारी स्किन में ऐसे समा जाएगा। और आप इसकी शाइनिंग देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी शाइनिंग मेरे हाथ पर आ गई है, आप लाइव रिजल्ट देख लीजिए।
तो इसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन और कंसीलर जो भी अप्लाई करेंगे वो आराम से आपके फेस पर टिका रहेगा। जी हाँ, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाने का काम प्राइमर करता है। प्राइमर हमारे मेकअप को अच्छी तरह से सेट करने का काम करता है, और जो फाउंडेशन और जो कंसीलर और जो भी हम बेस लगाते हैं अगर उसमें थोड़े बहुत ये केमिकल वगैरह भी है तो प्राइमर उससे हमारे फेस को कवर करने का काम करता है। जी हाँ, उनके हार्मफुल कोई भी ऐसा जो भी उसमें चीज़ें हैं वो हमारे फेस के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। तो प्राइमर जो होता है एक दीवार का काम करता है। तो आप पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सबकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। काफ़ी टाइम हो गया है मुझे वीडियो बनाते बनाते, लेकिन पता नहीं मेरी वीडियो में कहाँ कोई कमी रह गई है कि मेरे सब्सक्राइबर अभी तक भी कम हैं। लेकिन मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं जा पाऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपका एक भी पैसा सब्सक्राइब करने में नहीं लगता है। और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एज ए फ्रेंड्स आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको मेरी चैनल पर कैसी वीडियो चाहिए या फिर मेरी वीडियो में क्या कमी है, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूँगी। लेकिन आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अगर लगता है आपको कि मैं आगे जाने के लायक हूँ तो प्लीज़ आप सपोर्ट और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। तो ये कुछ बातें थी जो मेरे दिल में थी, मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स जल्द ही मैं अपने चैनल पर मैंने एक प्राइमर पर्पल से ख़रीदा था, तो मैंने पर्पल गोल्ड में शेयर किया था कि मैं पहले इसको ट्राई करूँगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसका रिव्यू जल्द ही मेरे चैनल पर आने वाला है, वो वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। लेकिन आज मैंने ये DIY प्राइमर बनाया है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।